आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नुपुर शर्मा की। जिस तरह से कानपुर हिंसा में नुपुर शर्मा के बयान के बाद बवाल मच चुका है, जिस तरह से नुपुर शर्मा को लेकर बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है, 6 साल के लिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है, और उसके बाद अब देखने को मिल रहा है कि उनकी गिरफ्तारी की मांग जो है वो बढ़ती चली जा रही है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद पूरी तरीके से जो मुसलमान समुदाय है वो नुपुर शर्मा को लेकर बुरे बुरे जो है बातें कह रहे, कहीं ना कहीं बड़े बड़े आरोप लगा रहा है। डेथ थ्रेट्स जो है वो नुपुर शर्मा को लेकर अभी भी आ रहे हैं, साथ ही गिरफ्तारी की जो मांग लग रही है उस पर भी बीजेपी पर निशाना साधे जा रहे हैं। वहीं जिस तरह से बीजेपी ने सस्पेंड तो नुपुर शर्मा को कर दिया, लगातार दूसरी पार्टियां जो है, जो विपक्ष है, वो बीजेपी पर निशाना साध रही है कि सस्पेंशन के पीछे भी एक बहुत बड़ी चाल थी बीजेपी की, जिस वजह से उन्होंने सस्पेंड किया। लेकिन इसी बीच जिस तरह से नुपुर शर्मा माफी भी मांगती हुई दिखाई दे रही है बीजेपी में, लेकिन इसी बीच ओबीसी आगे आते हैं और ओबीसी जो है वो नुपुर शर्मा को लेकर बड़े बयान देना शुरू कर देते हैं। बोलते हैं कि नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्यों अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, क्यों इतना बवाल मच गया और नुपुर शर्मा को आपने बाहर खाली छोड़ रखा है। लेकिन इसी बीच उन्होंने ये बात भी कही कि देश के प्रधानमंत्री जो है वो देश के, भारत के मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते। इतनी बड़ी बात, कहीं ना कहीं फिर से एक भड़काऊ बयान जो है वो ओवैसी की तरफ से आया, जहां उन्होंने ये बात कही कि देश के प्रधानमंत्री मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते। जो वो चाह रहे, जो वो कहना चाह रहे, जो उनके बात दिल पर लगी, जिससे ठेस पहुंची है, उस बात को साइड करते हुए उन्होंने नुपुर शर्मा को सिर्फ अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया, लेकिन उन्हें खुला छोड़ा हुआ है। तो नुपुर शर्मा को लेकर हर तरफ से जो है उनको घेरा जा रहा है, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया उस पर लगातार उनको बोला जा रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं, और उस बीच नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को लेकर बातें सामने आ रही है। तो यही देखने वाली बात होगी कि क्या अब बीजेपी की तरफ से नुपुर शर्मा को गिरफ्तारी हो सकती है या फिर पार्टी से निलंबित करना ही काफी था। लेकिन जिस तरह से मुसलमान समुदाय पूरी तरीके से टूट पड़ा है नुपुर शर्मा में, लगातार तस्वीर देखने को मिल रही है जहां नुपुर शर्मा हाय हाय करके जिस तरह से बड़े बड़े नारे लगाए जा रहे हैं नुपुर शर्मा को लेकर, बड़ी बड़ी बातें सामने आ रही हैं, और सिर्फ नुपुर शर्मा ही नहीं, उनके परिवार को लेकर भी डेथ थ्रेट जो है वो सामने आ रहे हैं, उनके परिवार की जान भी कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई दे रही है। वहीं नुपुर शर्मा लगातार बीजेपी से माफी मांगते हुए दिखाई दे रही है कि अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा बयान मिला जो कि गलत था तो उसके लिए वो माफी मांगती हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से लगातार नुपुर शर्मा को लेकर एक पूरी जो सभा है वो साइड हो चुकी है और नुपुर शर्मा को बिल्कुल साइड कर दिया है, तो कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा पर अब बड़ा जो मुसीबतों का पहाड़ है वो टूट चुका है। पर देखने वाली बात होगी कि बीजेपी अब किस तरह का एक्शन जो है नुपुर शर्मा को लेकर लेती है। लगातार ऐसी अपडेट्स हम लाते रहेंगे, उसके लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।